मैं आपको दो अगरबत्ती जलाने का समय देता हूं। हम लाइव आए हुए हैं यूट्यूब पर और आप लोग जितने जुड़ सकते हैं उतने जुड़ जाइए। पहले 15 मिनट में हम निर्मला माता का ध्यान करेंगे दो अगरबत्ती लगाकर, और उस ध्यान के दौरान आपको तरंगे मिलेंगी माता की, आपको शक्तिपात होगा। उसके आधे घंटे बाद हम घर पहुंचकर आप लोगों के लिए जप करेंगे। आपने 45 मिनट जप करना है, जो जप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस बार जो जप आपने करना है वो ओम नमः शिवाय ओम का ऊपर राम के हुए करना है। ऐसे बोलना है ओम नमः शिवाय ओम ऊपर राम 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 ओम नमः शिवाय ओम। 45 मिनट तक यही ध्यान करना है, जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर जो है विशिष्ट होगी, आज बजरंगबली महाराज की कृपा होगी। और ये अगर आप मन पे दिल ही दिल में और ख्याल ही ख्याल में बोल पाए, यानी कि ड्यूअल मन पे, सूक्ष्म मन पे और महामन पे बोल पाए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन धीरे 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 आप लोग जुट जाइए। केवल 5 मिनट का समय है, तब तक कोई भाई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मेरे से अध्यात्म के बारे में पूछ सकता है। अभी हम माता निर्मला की शरण में जाएंगे 15 मिनट तक, और उस 15 मिनट में मैं माँ से प्रार्थना करूंगा बोल बोल के। आपको साथ साथ बोलना है, जो भी आपका आसन है, जहां पर भी आप बैठे हैं, अपना फोन चला के और निर्मला माता को याद करना है, जिनका धाम छावला गांव में है। जिनका धाम छावला गांव में है और वो विश्वेश्वरी आपके कष्ट भंजन के लिए, आपको अपना शक्तिपात देने के लिए, आपको अपनी तरंगे देने के लिए। माता भी उत्साहित है कि आज कितने लोग मनु भैया के साथ बैठ रहे हैं। तो मैं उनका बालक, मैं उनका छोटा बच्चा मनु भैया आपकी सहायता के लिए, आपका सहायक बनने के लिए तैयार हुआ, तत्पर हुआ। तो जैसे मुझे उसने दिया, जैसे मुझे उसने आनंददायक वो दृश्य जो जीवन में आदमी कभी नहीं भूल सकता, वो दृश्य मेरे सामने उत्पन्न हुआ। मैं चाहता हूँ कि माता विश्वेश्वरी जगत जननी, माता निर्मलेश्वरी आपको भी वो तरंग उत्पन्न करके दें, वो तरंग आपके शरीर में उत्पन्न हो और आप भी देव दर्शन में सहायक हो, और आपको आपका जो तेज है, आपका आत्म तत्व है, उसका दर्शन हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति उठे, जागृत हो और आप उसकी तरंगों को महसूस हो। तो पहले 10 से 15 मिनट तक ये लगातार चलेगा। आपने अगरबत्ती अभी ली है, आप तैयार होने लग रहे हो, ये मुझे पता है। बहुत सारे लोग और जितने लोग जुड़ रहे होंगे आपको शायद पता होगा, इसमें पता चलता है जुड़े हुए लोगों का। 173 हो चुका, 173 हो चुके हैं, अभी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जबरदस्त। हमारा जो क्या कहते हैं फॉलोवर्स है वो कम है भाई। करौली में तो 5,000 लोग एक साथ आ जाते हैं, 50,000 रुपए देने के लिए। वो नाम थोड़ी होटल है। हाँ वो होटल है, होटल में तो आते हैं लोग भाग के। ये भी बात है, होटल में भाग के आते हैं, होटल में पता नहीं क्या खाने का। तो अभी धीरे धीरे सब उन्मुख होंगे। 15 मिनट तक जाप चलेगा, 15 मिनट तक मैं जो जो बोलूंगा वो आपने साथ साथ बोलना है, और आप सबको वो तरंग मिलेगी। मैं यहाँ माँ से प्रार्थना करूंगा, पूरे जगत में उनकी रोशनी फैली हुई है, और जो जो जीव इस बारिश के नीचे आएगा, उसकी छत्र छाया में आएगा, उसको वो बारिश झमाझम करती हुई उसके शरीर पर पड़ेगी, रोमांचित करेगी और उसकी सारी मलिनता को साफ करके उसके तेज को बढ़ाएगी। तो ये माता निर्मला है, निर्मला माता निर्मलेश्वरी, जो पूरे जगत में भ्रमण करके लोगों में कुल कुंडलिनी माता का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया है, और लोगों को एक सच्ची राह सच्ची दिशा जिन्होंने दिखाई है, और ताउम्र भक्तों की जिन्होंने सेवा की है, और अभय दान जिन्होंने भक्तों को दिया है, और प्राणपन से लोगों को, जीवात्माओं को भगवान की तरफ, भगवती की तरफ मोड़ा है, और उनको सौहार्द और प्रेम की भाषा सिखाई है, ये माता निर्मला है। आप वहाँ पर दिखाएं, सामने दिखाएं, मनु भैया के धाम में क्यों विराजती हैं ये भी मैंने बता दिया है। कितने लोग हुए भाई? 360 हो गए, 360 हो चुके हैं, 360 हो चुके हैं जिनकी अगरबत्तियां लग गई है। आप लोग जुड़े जल्दी, 500 होते ही हम चालू कर देंगे, और आपने साथ साथ बोलना है, और आपने उस आनंददायक दृश्य का भागी बनना है।
हमारे बोधराज जी भी बहुत उत्साहित हैं, पहली बार वो भारत की माता के गुणगान करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जब नेपाल के आदमी को उनकी ऊर्जा मिलेगी, तरंग मिलेगी, उनका विश्वास जागृत होगा और वो माता की भावनाओं में, माता के प्रेम में विवल होकर गाँव उठेंगे, ठीक है, और मैया मैया कह के पुकारेंगे और बोलेंगे मेरी माँ अम्बे हे जगदम्बे, हैं, मैं चल के तेरे द्वारे पे आया, मुझे शरण में ले लो अपनी महामाया। तो महामाई और जगत का उद्धार करने वाली वो निर्मलेश्वरी माता आप सबको अनंत सुख आज प्रदान करे, आप सबको, आप सबका जो विश्वास है, अचल विश्वास है, उसको बनाए रखे, आपकी जो धाम के प्रति श्रद्धा है उसको भी बनाए रखे, आप पर अपनी करुणा बरसाए, हम सबको, मुझे भी अपनी गोदी में बैठाकर, अपना बालक बनाकर अपने अंक से लिपटा ले। एक बार जय माता दी बोलेंगे। जय माता दी बोलो। सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। शनिदेव महाराज की जय। और बोलो साबिर प्यारे की जय। देखिए कितने लोग जुड़ गए हैं। 470 हो गए, 30 की वेट है, 500 आदमी हमें बहुत है भाई, इतने भी किसको मिलते हैं। फिर हमारा रुतबा भी तो मुंबई वालों से कम है भाई। अब मेरे साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। आप लोगों ने तो अपने दोनों हाथ जो है घुटनों पे रखने हैं, ठीक है, प्रार्थना मैं करता हूँ, बस बोलना है अपने साथ साथ, ठीक है, यहाँ वालों ने जोर से नहीं बोलना है ताकि वहाँ वालों को सुनाई दे, वहाँ वालों को सुनने देना है। तुम यहाँ सब जोर से बोलोगे दिक्कत आ जाएगी। हाँ, जिस जिसने जहाँ जहाँ आसन लिया है अगरबत्ती लगा के, जो लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वो आसन जिस जिसने जहाँ पर लिया है अगरबत्ती लगा के, वो वहीं पर बैठकर मेरे साथ साथ माता निर्मला की आराधना करेंगे। छोटी सी वाणी से मैं जो भी शब्द बोलूँगा उसको पीछे फॉलो करके गुंजायमान करेंगे और माता निर्मला का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हे माता, हे माता, हे जगत जननी, हे जगत जननी, हे निर्मलेश्वरी, हे निर्मलेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, अपने दर्शन मात्र से ही शांति प्रदान करने वाली, अपने दर्शन मात्र से ही शांति प्रदान करने वाली, जीव मात्र की, जीव मात्र की कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी शक्ति का आधार शक्ति का, आधार शक्ति का शक्तिपात कराने वाली, शक्तिपात कराने वाली आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में अपने दर्शन कराने वाली, अपने दर्शन कराने वाली, हे महातेजस्विनी, हे महातेजस्विनी ऊर्जावान, ऊर्जावान हमें अपनी, हमें अपनी तरंगों से, तरंगों से हे माँ, हे माँ आलादित करो, आलादित करो प्रमुदित करो, प्रमुदित करो हे मातेश्वरी, हे मातेश्वरी हम पर भी, हम पर भी करुणा करो, करुणा करो हे जगत जननी, हे जगत जननी हे जगदम्बा, हे जगदम्बा भक्तों पर, भक्तों पर सदा सदा अपना अपना वरद में हस्त रखने वाली, रखने वाली हमें बालक जानकर, हमें बालक जानकर अपनी करुणा करती हुई, अपनी करुणा करती हुई अपना अंक प्रदान करके, अपना अंक प्रदान करके हे माँ, हे माँ हमारे मुख में भी, हमारे मुख में भी
दूध का पान कराओ और हमें माला माल कर दो, हमें माला माल कर दो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष दायिनी, समस्त संसार के जीवों को अपने से संलग्न करने वाली हे माता श्री वृद्धि करने वाली हे माता सिद्धि प्रदायिनी हे माता समस्त जगत जनों को उद्धार के लिए प्रेरित करने वाली इस कलीमल से इस कीचड़ से कमल बनाकर हमें सूर्यमुख की तरफ ऊर्जा देकर खिलाने वाली हे माता हम सब पापी जीवों में भी अपनी सुगंधी भरने वाली उद्धारकर्ता न्याय करता हे निर्मलेश्वरी छावला धाम में विराजने वाली सबको अपनी शक्ति द्वारा अपनी भक्ति द्वारा सबके संताप मिटाने वाली हे महा हम पर सब पर अन्यत्र विश्व में कहीं भी कोई तेरी आराधना कर रहा है उन सब पर कृपा बरसाओ हम सब आपके शरणागत हैं हमें इस कलीमल से कली पाप से हमारा पीछा छुड़वाओ अपनी भक्ति प्रदान करो अपनी शक्ति प्रदान करो जय माता दी अनंत नाद उत्पन्न करने वाली महाशून्य में ले जाने वाली आत्मदर्शन कराने वाली आत्म स्वरूप का दीदार कराने वाली हे जगत जननी हे विश्वेश्वरी हम सब पर करुणा करो हम सब तेरे बालक हैं तेरे अधीन हैं तेरी गोदी में आ बैठे हैं हे ऊंचे सिंहासन वाली सर्वत्र विश्व के सभी लोकों में याद करते ही आप तुरंत मिल जाती हो आपका आने जाने का व्यापार नहीं हे करुणामयी सर्वत्र विश्व में सभी लोकों में आप एक समान समाई हुई हो हम भक्त जनों के हृदय में
अरविष्ट हो जाओ, अरविष्ट हो जाओ। ए माँ, हम सरल होकर अहंकार त्याग कर तेरी शरण में आते हैं। हमें अपनी शरणागति प्रदान करो। हे निर्मला माता, आप पति ही निर्मल है, भक्तों का कल्याण करने वाली है, उन पर करुणा करने वाली है, हमारी दीनता पर भी जाओ। हम सब तेरे शरणागत हैं, हमें अपनी तरंगों से प्रफुल्लित करो, आनंदित करो, प्रमुदित करो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, ये अनंत सागर, ये विश्व सागर हमें माया रूप से डुबाने के लिए उद्यत है। आपके नाम का सहारा लेकर हे जगत जननी, हम इस विश्व से इस कली जीवन से पार उतरना चाहते हैं। इसलिए हे भूतेश्वरी, हे जगदीश्वरी, हे विश्वेश्वरी, हे ब्रह्मेश्वरी, आप हम पर दयात्र हो, करुणा करो, कृपा करो, हमें अपनी शरणागति प्रदान करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब चुप रहकर अंतर ही अंतर में मौन धारण करें और निर्मला माता का ध्यान करें। वो आपको फिर से छुएंगी। एक बार वो समूचे विश्व को, जो जो लोगों का साधना करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं, उनके रोम रोम को पुलकायमान कर, उनके आत्म तेज को बढ़ाती हुई, उनकी कुल कुंडलिनी को उठाती हुई, और सब भक्तों पर प्रसन्न होती हुई, सब भक्तों को आशीर्वाद देती हुई, अब सबको दोबारा शक्तिपात कराने वाली हैं। तो सब उनकी शरण में है। आंखें बंद करो, मौन होकर मन ही मन माँ 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 पुकारो, आपका कल्याण निश्चित ही होगा। जय माता दी।
आज फिर से माता निर्मला का शक्ति संचरण हुआ, शक्ति संचय हुआ शरीर के अंदर, उनकी कृपा अनुभूति हुई, उन्होंने छुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आप सब भक्तों को भी इस बीच उसकी तरंगे मिली। और इसी वीडियो में जो लाइव है, अपने अपने अनुभव आपने लिखने हैं क्या हुआ इसके बाद से, आपने साथ साथ बैठकर ओम नमः शिवाय ओम उपांशु ये बोलकर जप करना है और राम 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 मनी मन में उस पर बोलना है, और जो दिल और ख्याल में दोनों जगह बोल सके यानी कि सूक्ष्म मन से और वहाँ मन से, उसको भी ओम नमः शिवाय ओम ऐसे नीचे बोलना है और ऊपर राम राम बोलना है। चार बार राम बोला जाएगा, एक बार ओम नमः शिवाय ओम बोलते हुए, इससे भगवान भोलेनाथ की आप पर विशिष्ट कृपा होगी और आपको अगले 45 मिनट के बाद वो अनुभूतियाँ होंगी, वो आपने इसी पर लिखना है। और वीडियो के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो नंबर पर आपने अपनी अनुभव की वीडियो भेजनी है व्हाट्सएप पर। नंबर आप जसमीत जी बताइए। नंबर है 8800970401। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, 8800970401। 8800970401। तो ये नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है आपके क्या अनुभव हुए। 45 मिनट तक आपने ओम नमः शिवाय ओम जाप करना है, साथ में राम राम बोलना है। यहाँ भक्तगण के क्या अनुभव हुए हैं वो भी अभी हम आभास करके बताते हैं, क्योंकि 15 मिनट शायद हो चुके हैं पूरे, 15 मिनट पूरे हो गए हैं। धीरे धीरे आप सब लोग आंखें खोल लो और अगर किसी को अनुभव अच्छा हुआ है वो मुझे बताइए जरा, किसको अनुभव हुआ है, अनुभूति किसको हुई है, आपको कहाँ पर अनुभूति हुई बताएं मुझे। यहाँ कंपन हो रही है, कंपन हो रही है, कुछ तेज उत्पन्न हुआ वहाँ पर, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुआ, अभी प्रकाश उसका खुलेगा धीरे धीरे। तो उसकी ग्रहण शक्ति अभी जितनी है उतना माता ने उनको दिया, और शरीर में रोमांच हुआ था, शरीर में रोमांच हुआ, क्या लग रहा था, गर्म ठंडा लग रहा था, कैसा लग रहा था, धाराएं आती जाती लग रही थी, हाथ में ऐसे लग रहा था धाराएं आ रही, अब भी आ रही, हाथ में धाराएं आ रही थी, ठंडा लग रहा था, काफी ठंडा लग रहा था उनको, कमर की तरफ से उनको पता चल रहा था। और देवकी नंदन जी आपका कोई अनुभव रहा? बस थोड़ा वाइब्रेशंस हुई, वो भी शक्तिपात होता है, वही अनुभव है। हम रामपाल भैया से पूछेंगे, रामपाल भैया आपको कुछ महसूस हुआ? हाँ भैया। या आप साधना में नहीं थे? साधना में थे। क्या अनुभव हुआ आपको? अनुभव हुआ मेरे सर में एकदम ठंडक सी, बहुत सी तरंगे सी दिखी। सर में बहुत सारी तरंगे ठंडी ठंडी उनको महसूस हुई। कोई बात नहीं, आप जाइए पूछिए, उनका पूरा अनुभव पूछिए। लोग लाइव देख रहे हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं? ऑलमोस्ट 850 है। 850 ठंडा ठंडा सा, जैसे शीतल सा हुआ और मुझे तरंग महसूस हुई, शरीर हल्का हुआ, बहुत हल्का हुआ एकदम, मैं धन्य हो गया। धन्यवाद, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, ऐसे करते रहें ताकि आपका तेज, आपका आध्यात्मिक जो भी कर रहे हैं उसमें आप उन्नति पाएं, तरक्की पाएं और पूरे धाम में आपका नाम रोशन हो। जय श्री कृष्ण। देखो बहन जी, और किसी और बताना चाहते हैं कुछ? अच्छा लग रहा था, बहुत शांत लग रहा था, मतलब काफी ज्यादा शांति मिल रही थी मेरे को, बहुत ज्यादा, उनका नाम ले रही थी मैं, जैसे मतलब शांति में जा रहे हो। हाँ जी, कोई झंझनाहट हुई आपके शरीर में वाइब्रेशन से? ठंडा गर्म महसूस हो रहा था कुछ? ठंडा गर्म तो महसूस हो रहा था। उनसे पूछे और बताइए आपको कुछ महसूस हो रहा था? आओ आप पीछे आओ बेटे, आपको कुछ महसूस हुआ हुआ बताइए। ठंडा और लगा था, महसूस हुआ था और वाइब्रेशन से मेरा तन गहरा फील हुई थी। बिल्कुल, चलो बढ़िया जी। और किसको महसूस हुआ, हाथ खड़ा करें अपने। यहाँ पे झंझनाहट से हुई, पीछे से ऐसा लगा कुछ, मतलब कुछ तरंग सी आई, ऊपर को गई है फिर नीचे को गई है, और सर पे ऐसा लगा जैसे जैसे बारिश की बूंदी जैसे सूक्ष्म हो, और शरीर सर के ऊपर से यूं करके समा रही है, अंदर से समा रही है। लोग भी अपने अपने अनुभव दें, लिखें,
लाइव पर भी, और ताकि लोगों के पढ़ने में आए। बेटे आप में से किसी को, आप में से किसी को राजन को पूछो, राजन को, राजन को पूछो, जाओ राजन को पूछो जी। हाँ जी राजन भैया, गहरी समाधि विलीन, उठो जी, मलेशिया से आए हुए धाम के सेवक। राजन भैया जी बताइए अपना एक्सपीरियंस बताएं। सबसे पहले तो मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की है और लाइट वेट है बिल्कुल भी, और अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, कोई वाइब्रेशंस वगैरह कुछ ठंडा गर्म कुछ महसूस हुआ? आँखें हल्की है, बिल्कुल सब कुछ हल्का है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का, एकदम बढ़िया महसूस कर रहे हैं। चलिए बहुत मुबारक हो, बाबा करें, शनिधाम के सेवक हैं ये, और इनको जल्दी से इनका आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद इनको मिले, और इनका भी नाम खूब रोशन हो पूरे विश्व में। जय श्री देव। और किसी को ये मिलिए, शायद आप जानते होंगे इनको, ये शायद ये हमारे हर्ष भैया जी हैं, धाम के परम सेवकों में से एक, सेवकों में से एक नहीं एक ही है परम सेवक, ये हर्ष भैया जाने पे बताओ जी। सब तो बढ़िया लग्या, जिन्हें कहता मतलब है तरंग आ रही थी बूढ़ी से, अखा बंद कर दी पूरी, बोलो ना महाराज, अखा बंद कर दी पूरी पूरी वाइब्रेशन हुई, ऐदा लगता है कोई देवी कोले खड़ी। अरे वेरी नाइस। ते ऐदा जेड़े सेंटर दे विच है चक्री जी घूम रही सी, बढ़िया लग रहा सी, बढ़िया लग रही सी। ते और कुछ और एक्सपीरियंस, वाइब्रेशंस वगैरह सब कुछ? वाइब्रेशन तो पूरी सी, ज्यादा बड़े बाबा जी ने बोलिया कि अखा बंद करो, ते ताई बढ़िया लग रहा सी, पूरी पूरी ठंडक हुई बॉडी दे विच, बल्कि ऐदा लग रहा सी कोई देवी खड़ी हुई है, कोई देवी खड़ी हुई है। देखो जी, हर्ष भैया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कि माता खुद इनके पास खड़ी है, इनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री देव जी। बोधराज जी, ये हमारे नेपाल के बोधराज भैया। ऐसा तो मैं राजे राजा ही रखना चाहता था, क्या करें, अब आपने पूछ ही लिया तो बताना जरूरी है। मुझे दूसरे से अलग फील हुआ था, मुझे जैसा लग रहा था कि मुझे मेरे ऊपर ओस गिर रहे हों, और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, बस इतना ही मुझे लग रहा था। तरंगे तुरंगे कुछ? तरंगे वही ओस की तरंगे जैसे, वो भी तो तरंगे ही है, और मुझे लग रहा था कि आनंद आ रहा है शरीर में, मतलब थोड़ा सा शांति फील हुआ। कुछ अपने भाषा में बोलना चाहोगे जो नेपाल के लोग सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत? बोल बोल दे। मलाई अलि चीज जस्तो कुहिरो चाहिँ माथिबाट वर्षा हुन्छ, माथिबाट आउँछ, त्यस्तै किसिमको अनुभव भयो, र मन एकदमै शान्ति, एकदमै कुल फील भयो, एकदम कुल फील भयो। त बहुत बहुत बढिया जी। जय जय श्री राम। जी बहन जी, जय श्री राम। मेरा माथे में तरंग आया था, और माथा को गोल गोल घुमाया था, और फोरहेड में बहुत भारीपन था। फोरहेड में जो भारीपन था वो आपके दोष के कारण था, आपको मलिनता है। हाँ। तो माता ने अपना शक्तिपात तो कराया, लेकिन आपको थोड़ी बहुत मलिनता थी, उससे जो है ना आपको जो है वो सारी मलिनता नीचे से छोड़, क्योंकि कुंडली शक्ति नीचे से उठती है, ऊपर की तरफ भागने लगी, और फिर वो आके सर में कहीं बीच में ठहर गई, और लेकिन माता का अपना शक्तिपात आपको वो प्राप्त हुआ, आशीर्वाद आपको अवश्य में प्राप्त हुआ। तो भक्तों, अभी आप कम से कम कुछ भी नहीं तो 5 मिनट का गैप दें, अभी मेरे यहाँ पे समय जो हुआ है वो 7 बजे है, और 7:05 से आप जो है जब चालू करें अगले 45 मिनट तक, यानी कि ये समझिए आपको 7:40 तक आपने या 45 तक आपने जप करना है, 7:50 तक आपने जप करना है। सो 7:50 तक आपने जप करना है, ओम नमः शिवाय ओम पे ऊपर राम 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 बोलिए मन से, और आप देखिए आपको जो अनुभूति होती है उसको बताइए, मनु भैया आपके साथ हैं, और शीघ्र ही जैसे ही कोरोना काल जाएगा मैं आप लोगों के साथ 5-5 दिन की साधना करूँगा, जिसमें हर रोज हमारा प्रयास ईश्वर के बहुत ही निकट जाने का रहेगा, संसार को छोड़कर, संसार के सभी संबंधों को तोड़कर हम लोग बैठकर साधना करेंगे, और उस ईश्वर का विश्वास जीतकर उसको अपने हृदय में स्थापित करते हुए दीदार के लिए, दर्शन के लिए हम तो ललायित होंगे ही, भगवान को भी जो है उन्हें विनय करेंगे कि वो हमें अपने मूलभूत स्वरूप के दर्शन करावें। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कितने लोग जुड़े हुए? ये हो गए 765 के आसपास, वही 765, तब 885 बता रहे थे, अब लोग घट गए।